साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस ऑडियो के माध्यम से मैं अपनी एमए की छात्राओं के लिए जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी में फैंटेसी अर्थात स्वप्न कथा का प्रयोग किस प्रकार हुआ है और वास्तव में फैंटेसी क्या है इस पर चर्चा करूंगी। इस व्याख्यान के माध्यम से मेरी छात्राओं को कुछ लाभ प्राप्त हो ऐसी मेरी आशा है। ग्रीक शब्द फैंटेसिया से फैंटेसी शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है अमूर्त को मूर्त बनाना, अर्थात जिस विधान के द्वारा अवास्तविक कल्पनाओं या स्वप्न दृश्यों को बिंबात्मक स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है वह फैंटेसी है। फैंटेसी में काव्य कल्पना को कालक्रम का अतिक्रमण करते हुए भी विवरण करने की पूरी छूट होती है, किंतु उसके द्वारा निर्मित प्रतीकों का एक अर्थ निश्चित ही जीवन के यथार्थ से जुड़ा होता है। फैंटेसी ऊपर से भले ही अनगढ़ अमूर्त लगती है, लेकिन उसका भीतरी स्वरूप स्वानुभूत सच्चाइयों से सीधा सरोकार रखता है। विश्व साहित्य शब्दकोश में इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि फैंटेसी की क्रियाशीलता में ऐसे वातावरण या चरित्र उपस्थित होते हैं जो मनुष्य जीवन की सामान्य परिस्थितियों में असंभव माने जाते हैं। इस परिभाषा के आधार पर यदि ये मान लिया जाए कि केवल असंभव घटनाओं और चरित्रों की अभिव्यक्ति करने वाला रचना विधान फैंटेसी है तो यह भूल होगी। निरुद्देश्य एवं लक्ष्यहीन फैंटेसी निरर्थक होती है। उसे पढ़कर कोई भी पाठक अपना समय नष्ट नहीं करना चाहेगा। फैंटेसी के स्वरूप और उसकी प्रकृति के संबंध में मुक्तिबोध ने लिखा है कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होकर विभाव पक्ष मात्र सूचित होता है या ध्वनित होता है या केवल प्रतीकों में प्रकट होता है। इस प्रकार इसमें वास्तविकता प्रतीकात्मक रूप में ही झलकती है। संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो फैंटेसी प्रतीक गर्भित ऐसे चित्रों की माला है जिसमें रचनाकार मन की विमूढ़ वृत्तियों, अनुभूत जीवन समस्याओं और इच्छित विश्वासों को अयथार्थ कल्पना करता हुआ प्रक्षेपित करता है। इस प्रक्षेप में वास्तविक जीवन अंडरग्राउंड या पृष्ठभूमि में रहता है, लेकिन अमूर्त को व्यक्त करने हेतु जो चित्रमाला प्रस्तुत की जाती है उसका प्रच्छन्न और प्रतीकात्मक संबंध निश्चय ही वास्तविक जीवन से होता है। फैंटेसी एक भाववादी शिल्प है और यथार्थवादी शिल्प से उसका स्पष्ट विरोध है। यथार्थवादी शिल्प के तहत अनुभूत सच्चाइयों का यथार्थ अंकन होता है। इन सच्चाइयों का आधार लेकर ही रचनाकार कल्पना को कलात्मक बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात यथार्थवादी शिल्प में विभाव पक्ष के आधार पर भाव पक्ष का उद्घाटन होता है, जबकि भाववादी रोमांटिक शैली के तहत भाव पक्ष का चित्रण प्रधान होता है और विभाव पक्ष का चित्रण गौण या गुप्त होता है। इस प्रकार के शिल्प में वस्तुगत अनुभूतियां नेपथ्य में रहती हैं या सिर्फ जहां तहां सूचित कर दी जाती हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि रोमांटिक भाववादी आत्मपरक कला में कल्पना अधिक स्वतंत्र होकर अधिकतर भाव पक्ष का ही मूर्ति विधान करती रहती है और विभाव पक्ष को मात्र प्रतीकों से सूचित कर देती है। फैंटेसी में विभाव पक्ष के कल्पना बिंब प्रतीकात्मक होकर अपनी मूर्त भूमि से इतने दूर जा पड़ते हैं कि वे विभाव पक्ष का भूगोल और इतिहास गौण कर उसका दिक्काल लांग कर अपना एक स्वतंत्र भूगोल और इतिहास अपना स्वतंत्र दिक्काल स्थापित कर लेते हैं। मुक्तिबोध की यह मान्यता है कि फैंटेसी के शिल्प को ग्रहण कर लेखक वास्तविकता प्रदीर्घ चित्रण से बच जाता है। एक यथार्थवादी रचनाकार फैंटेसी के भाववादी शिल्प को अपना सकता है क्योंकि यथार्थवादी शिल्प और यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर होता है। यह बहुत ही संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प है उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो, यह मुक्तिबोध ने कहा। मैतोवस की यांग्लो एवं मुक्तिबोध आदि दर्जनों श्रेष्ठ जनवादी कवियों ने अपने काव्य के लिए भाववादी शिल्प को अपनाया है। इससे स्पष्ट है कि जनवादी या वस्तुवादी रचनाकारों के लिए भी फैंटेसी वर्जित क्षेत्र नहीं है।
कुछ विद्वानों ने फैंटेसी के शिल्प पर पलायन का आरोप लगाया है जो सही नहीं है। फैंटेसी में स्वानुभूत जीवन का सार यथार्थवादी लगने वाली कल्पना के रंगों से विस्तारित होता है, अतः फैंटेसी वास्तविक जीवन का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। पलायन उसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए फैंटेसी बहुत पहले से ही पूरे विश्व में एक कथा पैटर्न के रूप में प्रचलित रही है। पौराणिक कथाओं से लेकर होमर की रचनाओं, पंचतंत्र और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की अनेक कथाओं, जातक कथाओं, एडगर एलन पो की कहानियों, चेखव, फांग काफका, जापाल सात्र या कामों की अधिकांश रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी में कबीर, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, दूधनाथ सिंह और मणि मधुकर की रचनाओं में यह पैटर्न भिन्न भिन्न स्तरों और भिन्न भिन्न संरचनाओं में प्रयुक्त हुआ है। मनोविज्ञान के पंडित भी फैंटेसी की अपने ढंग से व्याख्या करते रहे हैं। फ्रायड ने माना है कि अतृप्त इच्छाएं फैंटेसी की प्रेरक शक्तियां हैं। जुंग ने फैंटेसी को फी एसोसिएशन से जोड़ा है और अभिप्रेरित चिंतन का विरोधी माना है। टॉरवेल ने फ्रायड और जुंग के मतों को उद्धृत करके बताया है कि अतृप्त इच्छाओं के द्वारा उन्मुक्त बिंब दर्शन ही फैंटेसी का पर्याय है। संभव है कि यह अतृप्त इच्छा जीवन के जिस विशिष्ट लक्ष्य के प्रति होती है, उसकी मूर्ति कवि स्वकल्पना से स्वप्न संसार रचकर करता है। फैंटेसी में कविता की प्रत्येक घटना और वर्णन में तर्क संगतता निभाने की अनिवार्यता नहीं होती। मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक डायरी के तीसरा क्षण शीर्षक निबंध के अंतर्गत अनुभव और अभिव्यक्ति के मध्य एक दूसरे क्षण के रूप में फैंटेसी की स्थिति को स्वीकार किया है। वस्तुतः यहाँ कवि ने अपनी निजी रचना प्रक्रिया का उद्घाटन किया है, लेकिन नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक रचनाओं में रचना प्रक्रिया पर विचार करते हुए उन्होंने फैंटेसी के रूप में दूसरे क्षण का उल्लेख न कर अनुभव एवं अभिव्यक्ति के रूप में काम के दो ही क्षणों को स्वीकार किया है, काव्य के दो ही क्षणों को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि फैंटेसी रचना प्रक्रिया का अनिवार्य अंग नहीं है। अब बात करते हैं कामायनी की। कामायनी में प्रसाद जिन्हें प्रत्यक्षता तो यथार्थ की उपेक्षा की है, किंतु उसका छायाभास छायावादी बिंबावली के माध्यम से प्रकट किया है, जिसमें दिवा स्वप्न और विभ्रम उल्लेख है। कामायनी में फैंटेसी दो स्तरों पर कार्य करती है। पहले स्तर पर वह समकालीन और आधुनिक जीवन की समस्याओं को चित्रात्मक पद्धति द्वारा सामने लाती है, किंतु दूसरे स्तर पर यह फैंटेसी समकालीन जीवन के तथ्यों और निष्कर्षों की वर्तमानता या अस्तित्व को अपने काल कथा तथा स्थान से अलग हटकर इतना आकर्षक बना देती है कि उन तथ्यों से जुड़े हुए प्रसंगों में तीव्र जिज्ञासा विस्मृत सी हो जाती है। कामायनी में दिवा स्वप्न फैंटेसी के उपकरण की तरह आया है। दिवा स्वप्न में स्वप्न के दो तत्व निड़ा एवं अनुभव नहीं होते, उनका स्थान चेतना प्रवाह के अंतर्गत अमूर्त मिथकीय कल्पना ले लेती है, जिसे प्रसाद जी ने फैंटेसी के बदले लीला एवं छाया शब्दों से अभिहित किया है। कामायनी में त्रिपुर, आनंद, तांडव एवं कैलाश लोक की मूल विषय वस्तु यथार्थ नहीं है, क्योंकि तो यहाँ कवि का जोर वस्तुगत अनुभूतियों को प्रत्यक्ष करने के बजाय आनंदवाद को निरूपित करने के लिए दार्शनिक प्रतीकों को गढ़ने पर अधिक रहा है। यह कार्य कवि ने फैंटेसी की सहायता से किया है। यहाँ ये भी रेखांकित करने जरूरी है कि कवि द्वारा रचे गए त्रिपुर, आनंद, तांडव एवं कैलाश के बिंबों में से दिशा काल की ऐतिहासिक और वस्तुगत चेतना विलुप्त तो हो गई है। मुक्तिबोध ने पहली बार कामायनी के एक विशाल फैंटेसी के रूप में देखने का आग्रह दिखलाया, जो कलाकार की विधायक कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्संरचना है। इसलिए फैंटेसी के ढांचे में वास्तविक जीवन के रंग घुले मिले रहते हैं। एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट भी कर सकते हैं, जो कामायनी से लिया गया है। तो तुम हो कौन और मैं क्या हूँ,
इसमें क्या है धारा सुनो, मानस जल्दी रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। यहाँ फैंटेसी का स्वरूप आध्यात्मवादी रहस्यवादी है। तुम हो कौन और मैं क्या हूँ जैसी चिर जिज्ञासा हमेशा से भारतीय दर्शन के केंद्र में रही है। दूसरे को जानना अपने को जानने से ही संभव है। अतः मैं और पर की अवधारणा में आत्मा परमात्मा का अविच्छिन्न संबंध भी प्रक्षेपित है। किंतु यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन पंक्तियों का अर्थ ललित्य दार्शनिक जिज्ञासा में नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंधों के जीवन तथ्यों में है। कवि यहाँ प्रणय के औदात्य का उद्घाटन कर रहा है, साथ ही अपनी जीवन दृष्टि को भी सामने रख देता है। तुम कौन और मैं कौन हूँ, हमारी वास्तविक स्थिति और स्तर क्या है, इससे हमें मतलब नहीं। हम प्रेम करते हैं इतना काफी है। इसमें प्रेमी के सौंदर्य को एक विशाल कैनवस पर चित्रित करते हुए क्षितिज के रूप में रूपायित किया गया है। जाहिर है कि इस फैंटेसी का स्वरूप तो आध्यात्मवादी रहस्यवादी है, परंतु उसका मूल तथ्य प्रणय तथ्य है जो कल्पना के वितान से उठा है। सारांश यह है कि फैंटेसी का आकार तो अपना होता है किंतु उसमें प्रक्षेपित रंग जीवन तत्वों से उत्पन्न होते हैं। कामायनी के संबंध में मुक्ति बोध के दृष्टिकोण को देखते हुए नामवर सिंह ने लिखा है कि कामायनी कवि के दीर्घ संचित भावों और विचारों के ऊहापोह के दौरान क्रमशः रूप धारण करती हुई एक आत्मपरक फैंटेसी है जिसमें समकालीन जीवन की कलात्मक पुनर्रचना की गई है। कवि ने भाववादी शिल्प के तहत अपने भावों विचारों का आरोप अपने चरित्रों पर किया है, इसलिए मनु इड़ा श्रद्धा के चरित्र वास्तविक जीवन का रूपांकन नहीं लगते बल्कि वे सिर्फ सिर्फ एक तरह से आभास देने वाले से प्रतीक भर लगते हैं। उनकी चरित्रगत अभिव्यक्तियां फैंटेसी की आत्मपरक शैली में खो गई हैं। मिसाल के तौर पर श्रद्धा अपने संबंध में कहती है, मैं लोक अतीत में तप नितांत, आहुति प्रसन्न देती प्रशांत। श्रद्धा के चरित्र में कहीं यह चित्रित नहीं किया गया है कि वह लोक कल्याण के निमित्त लोक अग्नि में तपती है। वह कहीं आहुति देती हुई भी दिखाई नहीं देती, फिर भी आत्म प्रशंसा में जो भी कहती उसे आदि मानवी का दैवी गुण मानकर पाठक स्वीकार कर लेता है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के चरित्र की यह असंगति फैंटेसी के कारण ही क्षमा करने के योग्य है। रामायणी के कर्म परक जीवन अनुभव एवं कर्म रहित जीवन दर्शन के द्वंद्व की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। इड़ा सर्ग में शाप वाणी के आयोजन द्वारा कवि ने अत्यंत कलात्मकता के साथ मनु के मन में चलने वाले अतीत एवं वर्तमान के परस्पर संघर्ष को वर्तमान और भविष्य के परस्पर संघर्ष में अपसारित कर दिया है। यहाँ शापवाणी फैंटेसी के रचना विधान का अभिन्न अंग बनकर आई है। कवि मनु के समक्ष काम द्वारा शापवाणी की उद्घोषणा कर पाठक को प्रागैतिहासिक काल में खींच ले जाता है, किंतु उसके द्वारा जब मनु के संतापित प्रजातंत्र की समीक्षा की जाती है तब पाठक को लगता है जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में आजाद भारत के लिए प्रजातंत्रात्मक प्रणाली पर हो रही चर्चा इसकी जड़ में है। अतः फैंटेसी में जो प्रतीक होते हैं उनका सूत्र समकालीन समस्याओं से या कवि के वर्तमान जीवन से जुड़ा होता है। फैंटेसी में एक बात को दबाकर किसी अर्थ को प्रकट किया जाता है, परंतु याद रखना चाहिए कि दबाई गई बात कभी कभी उन बातों से अधिक महत्वपूर्ण होती है जो प्रकट की गई हैं। कामायनी में कवि आत्मगत संचित अनुभूतियों को फैंटेसी की शक्ल में पेश करता है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि कामायनी की कथा के रूप में प्रस्तुत फैंटेसी बहुत वस्तुतः लेखक को आभ्यंतर भाव उत्सों को मुक्त कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि कथा वस्तु पात्र इत्यादि गौण होकर कवि की अंतर्दृष्टि ही प्रमुख रहती है। सच तो यह है कि वैदिक साहित्य के मनु कथानक का आधार लिए जाने के बावजूद कामायनी की फैंटेसी कलाकार के अभ्यंतर उत्सों द्वारा अपना रूप प्रकट कर रही है। यही कारण है कि कामायनी के तमाम चरित्र कवि के संवेदनात्मक और उद्देश्यों के अनुरूप स्वरूप ग्रहण करते रहते हैं। फैंटेसी में कवि का स्व प्रमुख भूमिका निभाता है। कामायनी में भी कवि ने प्राय चरित्रों को भावुकतापूर्ण आदर्शवादी नजरिए से अंकित किया है।
यह नजरिया कवि के सानुभूत जीवन के निष्कर्षों और आत्मन्वेषित विश्वास से बनता है। उसे बनाने में सामाजिक मान्यताएं भी अपना अंशदान करती हैं। जैसे आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। छायावादी काव्य आंदोलन के दौर में नारी मुक्ति की आवाज तेज हुई, किंतु सामंती स्वीकृति से प्रभावित उच्च मध्यम वर्गीय संरचना के कारण कवियों ने उसे माँ, देवी और श्रद्धा के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। इस पूजा भाव में यह चालाकी कि नारी पुरुष की अनुगामिनी तो बने किंतु सहचरी नहीं, उसके लिए अपेक्षा के बदले उत्सर्ग, रुदन के बदले स्मित रेखा और स्वच्छंद रहने की जगह परवश रहने का संधि पत्र जैसे विकल्प स्थिर कर दिए गए। कवि ने ऊपर के उदाहरण में भी समर्पण, सेवा भाव, त्याग और सहिष्णुता के फ्रेम में उसे जकड़ कर पुरुष के हाथों उसके मन का सब कुछ गिरवी रखवा दिया है। नारी का एक आकर्षक बिंब गढ़कर उसे लाचार बनाए रहने की दृष्टि निहायत व्यक्तिवादी और सामंतवादी है। नारी के संबंध में प्रसाद की यह दृष्टि सानुभूत जीवन सार एवं संस्कृति से संपोषित पुरुष प्रधान समाज के विश्वासों की परिणति है, जिसे आदर्शवादी भावुकता कल्पना के रंग में लुभावना कलेवर देता है। यह फैंटेसी के फलक पर कवि का स्व काफी महत्वपूर्ण हो गया है। कवि वर्तमान मान्यताओं से आवश्यक दूरी बनाकर भी तत्कालीन व्यक्तिवादी मान्यताओं को ही प्रक्षेपित कर रहा है। दूसरी बात, लज्जा सर्ग में श्रद्धा के दिवा स्वप्न में लज्जा का आना एक फैंटेसी के तहत ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कामायनी के अंतर्गत फैंटेसी का स्वरूप निखर कर सामने आया है और फैंटेसी के कलेवर में ही इस रचना को रचा गया है। आशा करती हूँ कि आपके लिए कुछ लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।